अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग स्कैपुला बोन की क्लिनिकल एनाटमी को देखेंगे, जिसमें हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला और स्कैफोइड स्कैपुला आता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्कैपुला बोन के मसल अटैचमेंट्स और उसके फीचर्स को देखा था। अब हम इसमें देखेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटमी। सबसे पहले आता है हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इसमें क्या होता है कि स्कैपुला जो है वो विंग लाइक हो जाता है, जिसमें सिरेटस एंटीरियर मसल जो है फंक्शन लॉस कर देता है, उसका पैरालिसिस हो जाता है। स्कैपुला विंगिंग ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सिरेटस एंटीरियर। इस मसल की जो पैरालिसिस है वो क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो नर्व इसको सप्लाई करती है उसका डैमेज हो जाता है, और जो नर्व सिरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है वो है हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसी भी इंजरी की वजह से या ड्यूरिंग सर्जरी इसका अगर कट हो जाता है तो हमारे पास सिरेटस एंटीरियर मसल का पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्कैपुला बोन का मीडियल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट होने लग जाता है और एक विंग की तरह दिखता है। इसमें मेनली हमारा मीडियल बॉर्डर ही क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि जो सिरेटस एंटीरियर मसल है वो स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे ही अटैच होता है, और मीडियल बॉर्डर के भी एंटीरियर साइड पे यानी कोस्टल साइड पे जो सब स्कैपुलरिस सरफेस है स्कैपुला की, जो कोस्टल यानी रिब्स के साथ अटैच होती है इनर साइड पे, इनर मार्जिन पे, वहाँ पर हमारा सिरेटस एंटीरियर मसल अटैच होता है। इसीलिए मीडियल बॉर्डर ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाता है और एक विंग लाइक शेप बन जाती है। और इसमें क्या होता है कि हमारा एब्डक्शन का जो फंक्शन है मेनली वो लॉस हो जाता है, क्योंकि सिरेटस एंटीरियर मसल जो है वो हमारे पास मेनली जो आर्म है उसको पुलिंग का काम देता है, और मतलब उसको असिस्ट करता है स्कैपुला को। तो इसमें क्या होगा, जब सिरेटस एंटीरियर मसल का हमारे पास पैरालिसिस हो जाएगा तो एक विंग की तरह दिखेगा, और इन्फीरियर जो एंगल है स्कैपुला का, यानी हमारे पास स्कैपुला का यूं मीडियल बॉर्डर और ये इसका इन्फीरियर एंगल, दोनों विंग की तरह दिखेंगे, और हमारा आर्म जो है बियॉन्ड 90 एब्डक्ट नहीं होगा, बिकॉज दी फंक्शन ऑफ सिरेटस एंटीरियर लिमिटेड। दूसरा हमारे पास आता है स्कैफॉइड स्कैपुला। ये हमारे पास डिवेलपमेंटल ही एनामोली है, यानी वो मदर के वोम में ही ड्यूरिंग डिवेलपमेंट ही ये प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि मीडियल बॉर्डर इसमें कनकेव हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड स्कैफॉइड स्कैपुला। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।